गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देखिए आज हम आप लोगों को क्लास सेवेंथ की संस्कृत का 13वां चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए चैप्टर का नाम है दीपावली। देखिए हम लोगों के यहाँ मुख्य त्योहारों में दीपावली त्यौहार भी आता है और हम लोग इसे बहुत धूमधाम से मनाते हैं, तो आज हम इस चैप्टर में भी दीपावली के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए अस्माकं भारतवर्ष उत्सवानां पर्वणां च देशः वर्तते। हमारा भारतवर्ष उत्सवों और पर्वों का देश है। अत्र प्रचलितेषु महोत्सवेषु दीपावल्याः स्थानं सर्वश्रेष्ठम् अस्ति। यहाँ प्रचलित महोत्सवों में दीपावली का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। एवं श्रूयते यद् त्रेता युगे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र पितु आज्ञां परिपालयन् चतुर्दश वर्ष पर्यन्तं वने उषित्वा राक्षस राजं रावणं हत्वा सीतया लक्ष्मणेन च स अयोध्यायां प्रत्यागच्छत्। देखिए एवं श्रूयते, ऐसा सुना जाता है यद् कि त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र पिता की आज्ञा का पालन करते हुए 14 वर्ष तक वन में रहकर राक्षस राज रावण को मारकर सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे। तदानीम अयोध्यावासिनः दीपानाम अवलिम प्राजल्य तस अभिनंदनम अकुर्वन्। देखिए तभी अयोध्यावासी दीपों की माला को प्रज्वलित करके या दीपों की पंक्तियों को प्रज्वलित कर उनका स्वागत किया। अतएव इदं पर्व दीपावली इति नाम मन्यते, इसलिए यह पर्व दीपावली के नाम से जाना जाता है। इदं पर्व कार्तिक मासस्य अमावस्यायां तिथौ भवति। यह त्यौहार कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को होता है। केचन विद्वांसः कथयन्ति यत् कार्तिक मासस्य अमावस्यायाः एव दिने भगवती महालक्ष्मी सागर मध्यात् आगच्छत्, अपरे च कथयन्ति यत् अस्मिन्नेव दिने लक्ष्मी बलेह बंधनात् विमुक्ता अभवत्। देखिए कुछ विद्वान कहते हैं कि कार्तिक मास की अमावस्या के ही दिन भगवती लक्ष्मी सागर के मध्य से आई और दूसरे विद्वान कहते हैं कि इसी दिन लक्ष्मी बल के बंधन से मुक्त हुई। अतएव अस्मिन् दिने लक्ष्म्याः पूजनं भवति, इसलिए इस दिन लक्ष्मी की पूजा होती है। अस्मिन् दिने गृहाणां सर्वविधा शुद्धिं सज्जा च भवति, इस दिन घरों में सब प्रकार से शुद्धि और तैयारी होती है। सुधवलितानि गृहाणि नवं वधु इव भासन्ते। देखिए सफेदी से सफेद हुए घर नववधु के समान चमकते हैं। सर्वे जनाः नवानि वस्त्राणि धारयन्ति, सभी लोग नए वस्त्र धारण करते हैं। संध्यायां ते दीपानां प्रज्वाल्य गृहेषु मन्दिरेषु द्वारेषु च स्थापयन्ति। शाम के समय सभी लोग दीपों को जलाकर घरों मंदिरों और द्वारों पर स्थापित करते हैं या रखते हैं। तदा दीपानाम अवलीय अतितराम राजते, तब दीपों की पंक्ति बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है। रात्रो श्री गणेशेन सह लक्ष्म्याः पूजनं क्रियते, रात को श्री गणेश के साथ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। जनाः स्वमित्रेभ्यः बान्धवेभ्यः च मिष्टान्नं प्रेषयन्ति, लोग अपने मित्रों और भाइयों को मिठाई भेजते हैं। द्वितीय दिने प्रतिपद प्रातःकाल गोवर्धन पूजा भवति, दूसरे दिन प्रातःकाल गोवर्धन पूजा होती है। तदंतर स्वभगिनी गृहे भोजनं कृत्वा जनाः ताभ्य यथाशक्ति द्रव्यं यच्छन्ति, उसके बाद अपनी बहन के घर में भोजन करके उन्हें यथाशक्ति द्रव्य देते हैं या धन देते हैं। एवं च अयम उत्सव हर्षोल्लासं जनयति, और इस प्रकार यह उत्सव हर्षोल्लास पैदा करता है। अस्य उत्सवस्य अयम संदेश अस्ति, इस उत्सव का यह संदेश है कि अस्माभिः अविद्या अंधकारं विनाश्य स्वजीवने ज्ञानं प्रकाशं करणीयम्। देखिए हमें अविद्या के अंधकार को नष्ट करके अपने जीवन में ज्ञान का प्रकाश करना चाहिए। थैंक यू।